गृह मंत्रालय उनके हम जब उनके पास ये मैसेज लेकर के जाएंगे, अभी हम जाएंगे वहां तो उनके पास जाएंगे अभी तो नहीं, लेकिन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो यहाँ आएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। हमको तेज प्रताप भैया हमको बोले उससे वो आज यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन चूंकि सरकार में देख रहे जब सरकार खुद चलकर आ रही है इस गांव में, तो क्या लगता है कि अब तो इंसाफ मिलने वाला है? कोई क्या औकात है कि रोक देगा का इंसाफ मिलने से? तेज प्रताप यादव खुद बोले हैं संतोष रेणु जी आप वहाँ पे जाइए आज, और उसके बाद मैं पुनः वहाँ पे आऊंगा। किसी की हिम्मत है जो इंसाफ से रोक देगा? बहुत दिन तक तुम लोग बीजेपी के सह में शोषितों पे अत्याचार किया, गरीबों का शोषण किया, गरीब वर्ग से उठने वाले लोगों का हत्या करने का काम किया, तो अब देखो कि उसका क्या माजरा होता है। शोषण मुक्त होगा भैया? बिल्कुल बिल्कुल शोषण मुक्त होगा, और बहन बहुत अभी ऊंचाई पे जाने वाली है। अच्छा, क्राइम बढ़ चुका है बिहार में, उस पर भी लगाम लगेगा? लगाम सब गन्ना केल का सजाएगा इस सब। अभी बहन जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है, मुझे गर्व होता है हमारे समाज की बेटियों पे, इतनी हौसला अपने अंदर रखती हैं, इतनी हिम्मत अपने अंदर रखती हैं। आज इनके घर में कोई नहीं है, इनके घर में इनके ससुर की हत्या कर दी गई, इनके पति की हत्या कर दी गई, सिर्फ एक बुजुर्ग सास हैं, और इनके कंधों पे वो भी जिम्मेवारियां हैं, उसके साथ साथ दो बच्चे हैं, एक 7 साल की बच्ची है और एक 4 साल का बच्चा है। आप समझिए कि अगर इनको सुरक्षा नहीं मिलता है तो कैसे समाज में चल पाएंगे? यही गवाह है। क्या आपको लगता है कि वो जो दैत्य लोग हैं इन पे हमला नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि इनके बच्चों के ऊपर हमला नहीं करेगा? तो यहाँ के जो एसपी महोदय हैं कांतेश कुमार मिश्र जी, आप जानिए आपके भी घर में इनकी ही जैसी बहन होंगी, आप जानिए कि अगर आपकी बहन की स्थिति हो जाए तो उनके साथ किस भावना को लेकर के आप जाइएगा और कैसे उनको न्याय दिला पाइएगा। अगर ये अगर आप सोच लेंगे ना, तब जा करके पुनः आप इस बहन के पास आइएगा, क्योंकि कांतेश कुमार मिश्र नहीं आए ना, नहीं यहाँ पे नहीं आए। ये कैसी दुर्भाग्य है, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी उनको मतलब पता नहीं, जानकारी नहीं। अरे ये कांतेश कुमार मिश्र ब्राह्मण समाज से आते हैं। अच्छा, ब्राह्मण समाज बोलते हैं, बड़का बड़का उपदेश देते हैं कि समाज में अच्छा से रहिए, इसमें जातिवाद हो रहा है। राजीव मिश्र जी एसपी बनने के बाद सब भुला गए उपदेश का, यहाँ पे आइए, ये औरंगाबाद ही है, ये आप ही का क्षेत्र है, यहाँ के कैप्टन आप हैं, समझे? एसपी के साथ साथ आप ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं, तो इसमें जातिवाद आप का बात बता रहे हैं? जातिवाद जुड़े हुए मिश्र जुड़े हुए था, मगर इसके साथ हम थोड़े अलग समझा के जुड़ दिए हैं। अच्छा, उनका नेम प्लेट में मिश्र जुड़ा हुआ, तब ना कह रहे हैं उनका तो काम है देश की सेवा करना, ना कि जातिवाद करना। बस 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 बस, देश की सेवा करना तो अब तक यहाँ पहुँच चुके होते, अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी होती, हमारे देश का एक आईपीएस इतना नपुंसक हो गया, आईपीएस बिक गया है, वर्दी नपुंसक हो गया हमारे देश का, ऐसे ऐसे आईपीएसओ के वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो आईपीएसओ का देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, एक नेता की सेवा कर रहे हैं। बस एक नेता का तलवा साल आने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो वक्त घूमता है, समझे? आप इस धरती पे है ना, ये भी घूमती है, सूरज भी घूमता है, सब सब। तो ऐसे ऐसे करप्ट अफसरों पर क्या लगाम लगेगा? करप्ट अफसरों पे अब तो देखिए ना, अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ ही गए, गृह मंत्रालय उनके हाथ में आ गया, अब पूरा जैसे सूरज के चारों पट्टी पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, अब इनका जो है ये ऐसे ऐसे आईपीएस के चारों तरफ अब कानून अब परिक्रमा करेगा। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का अफसर को, इस तरह का अधिकारी को जो देश की सेवा में लगे हैं और जो करप्ट हो जाए, तो हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है, समाज में रहने का अधिकार नहीं है। कैसे जाकर के अपनी माँ बहन को चेहरा दिखाएंगे? कैसे जाकर चेहरा दिखाएंगे कि सुमन कुमारी बहन की पति की हत्या करवा करके उसके घर तक नहीं गए? शर्म नहीं आता है एसपी महोदय आपको? शर्म नहीं आता है? कैसे खाना ढूंढता है आपको? कैसे पानी पीते हैं आप? बेशर्म आदमी कहीं का, आपको एसपी और आईपीएस कहते हुए हमको छी बर रहा है, घृणा हो रही है मुझे खुद से कि मैं आपको एसपी कह रहा हूं, और आप जैसे एसपी इस समाज में है, देश में है। चलिए, यहाँ के एसपी साहब जो है गुस्सा हो गए हैं संतोष रेणु यादव, और कड़ा कदम, बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और सरकार खुद चलकर यहाँ